मैं आपसे दो चार पांच बातें कहूंगा जिन पर यह आवश्यक नहीं है कि आप उन्हें मैं कह रहा हूं इसलिए मान लें। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि उन पर विचार जरूर कीजिएगा, फिर यदि आपको उचित लगेंगी तो जो मैं कह रहा हूं भगवान का संदेश जो मैं लेकर आया हूं वो शायद आपके जीवन का भी संदेश बन जाए और आप भी इस पात्रता को प्राप्त कर लें कि आप अपने जीवन की परिभाषा लिखकर उस बात को दूसरे युवाओं तक पहुंचा सकें। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये संक्रमण का दौर है, एक परिवर्तन काल है। सारा विश्व इस समय ट्रांसफॉर्म हो रहा है। प्रत्येक व्यवस्था, व्यक्ति, हमारी मानसिकता, हमारी जीवनचर्या, हमारा परिवार, हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं, हमारा समाज, हमारा विज्ञान, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारा पर्यावरण, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, हमारी राजनीति, हमारी टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में आप एक क्रांति देख रहे हैं और ये क्रांति इतनी तीव्र है कि इसका सिरा पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। इसके अनंत परिणाम आए। आज मनुष्यता सुख और वैभव से भरी हुई, हर चीज आज हमारे एक इशारे पर काम कर रही है। इसलिए एक तरफ दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मित्रों, और एक अच्छा समय दुनिया में दिखाई देता है। मानो स्वर्ग के वो सब साधन इस समय धरती पर उतर आए हैं जिनकी कल्पना हमारे पौराणिक काल के ऋषियों ने की थी। पर मित्रों, वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं इस विकास के इस दौड़ में हमने कुछ ऐसा भी पाया है जो मनुष्यता के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया है। आप देखते हैं इस समय जो दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, चाहे वो अलग अलग लोग अपनी तरह उसका मूल्यांकन करते होंगे, पर जब कभी भी परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन के साथ मूल्यांकन होता है तो एक ही बात समझ में आती है कि मनुष्य और इस देश और इस विश्व का चरित्र न जाने किस रसातल के दलदल में जाकर के डूब गया है। किसी भी आम आदमी के जीवन को, किसी संगठन के व्यवस्था को, किसी राजनीतिक दल की मान्यताओं को, किसी धार्मिक संगठन और मठ और मंदिर को आप देखेंगे तो दूर दूर तक उससे संबंधित जो सिद्धांत, जो मान्यताएं, जो आदर्श निश्चित किए गए थे उनसे मनुष्य का धीरे धीरे लगाव कम हो गया है। यही कारण है कि हमने सारी ऊर्जा इस वैभव को इकट्ठा करने में लगाया, पर शायद हम मनुष्य के निर्माण से चूक गए। मानवीय चेतना के विकास के लिए जिन योजनाओं का शुभारंभ आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हो जाना था, शायद हम अभी भी अभी प्रतीक्षा में हैं कि कोई व्यक्ति आए और मानवीय सभ्यता के एक नए सिरे से पुनर्रचना का कोई सरंजाम जुटाए। हमारी संपूर्ण योजनाएं, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो या किसी भी तरह की वार्षिक योजना हो, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन के हो या राजनीतिक संगठन के हो, आप पाएंगे मनुष्य की चेतना के विकास की योजना बहुत कम दिखाई देगी। अस्पतालों की, हाई स्पीड ट्रेन की, आकाश में नक्षत्रों ग्रहों के बीच झांक लेने की योजनाएं बन रही हैं, पर मनुष्य के मन में झांकने की कोई बात नहीं करता। इसलिए मित्रों, पहला तो मेरा निवेदन यह है कि इस परिवर्तन के दौर में जब विकास और विनाश की अनंत संभावनाएं मनुष्य के सामने खड़ी हों, तब हम सबको एक निश्चित मत के साथ बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने 10,000 वर्ष के ऋषियों की थाती को स्मरण करते हुए, भारतीय संस्कृति का स्मरण करते हुए विकास का, उत्थान का मार्ग चुनना है। नंबर एक, हमको उस पतन के दलदल में नहीं डूबना है जिसमें दुनिया डूब रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि यह परिवर्तन का दौर है मित्रों, इस परिवर्तन के दौर में आप पुराने से चिपके मत रह जाइएगा। हम भारतीयों की एक छोटी सी कमजोरी है, यद्यपि वो बहुत आवश्यक भी है, परंतु हमने उस आवश्यकता को, उस दिव्यता को अपनी कमजोरी बना लिया है। वो बात है पुरातन से चिपके रहने की, इतिहास से चिपके रहने की। हम सब घोषणाएं कर चुके, हमने कह दिया हमारे यहाँ स्वर्ण युग बीत गया, हम दुनिया के जगतगुरु रह चुके, हम चक्रवर्ती सम्राट रह चुके, हमने इतने साहित्य का, इतने आर्ष ग्रंथों का सृजन कर डाला, हमने नक्षत्रों, ग्रहों के आकाश पिंडों को खोज डाला। ऐसा लगता है जैसे हम सब कर चुके, अब कुछ करने को शेष नहीं। आप किसी बुजुर्ग से पूछें तो वो ये कहता पाया जाता है
कि हमारा युग बहुत अच्छा था, आपका युग ठीक नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इसी परंपरा में हम चलते रहे तो हम भी अपने बच्चे से कहेंगे कि हमारा युग अच्छा था, तुम्हारा युग अच्छा नहीं है। तो मित्रों आप कल्पना करो, हम विकास की ओर, हम स्वर्ण युग की ओर जा रहे हैं या किसी नरक के दलदल की ओर दौड़ रहे हैं। योजना क्या है? आपने बहुत कुछ किया, दुनिया को बहुत कुछ दिया। ये बिहार की भूमि, ये पावन भूमि इस जगत को आज समृद्धि का सर्वोत्तम शिखर प्रदान की। शून्य का आविष्कार करने वाली यह धरती अगर वो ना करती तो शायद विज्ञान का कोई नामो निशान ना होता। परंतु आप, मैं ये पूछता हूं कि दुनिया ये नहीं जानना चाहती कि आपका इतिहास कितना स्वर्णिम था, दुनिया ये जानना चाहती है कि आपका वर्तमान कितना शानदार है और भविष्य की क्या कहानी है। इसलिए मित्रों दूसरी बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम बीते हुए अतीत में ना लगें, हमारा हम पास्ट ओरिएंटेड ना हो। वी शुड बी एंड वी मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड। हमको देखना है भविष्य की ओर, एक स्वर्णिम भविष्य की ओर। मित्रों दुनिया तो न जाने क्या क्या घोषणा करती रही कि विनाश हो जाएगा। 2000 तक मैंने पढ़ा है, 1980 के आसपास 85 तक हम पढ़ते थे सदा हमेशा समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में, कि दुनिया नष्ट होने वाली है। 2000 में 25% लोग बचेंगे। न जाने कितने भविष्यवक्ता, कितने दिव्य दृष्टा देखकर कह गए। पर इन सब के बीच, इस घने अंधेरे के बीच एक सूरज चमकता रहा, पंडित श्याम शर्मा आचार्य नाम का, जो कहता रहा 21वीं शताब्दी उज्जवल। हमने सपना देखा है उजले उजले भारत का। हम उन सूर्य को, अनंत सूर्यों को फिर से उदित करना चाहते हैं जो कभी हमने प्राचीन भारत में वैदिक युग में किए थे। इसलिए मित्रों पीछे से जुड़ना नहीं है, आगे की योजना बनाना है। मैं ये भी कहता हूं कि पीछे से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे को नकार देना है। मित्रों जो वृक्ष अपनी जड़ों से टूट जाता है वो सूख जाता है। आप जैसे सुनहरे एक पुष्प जो खिल रहे हैं, इसकी जड़ हमारे पूर्वज हैं। इसलिए हम अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने 10,000 बरस के इतिहास को संजो कर रखना होगा। हमको अपने इतिहास पर गौरव भी करना होगा, परंतु इतिहास की जड़ों से सिंचित होकर के नए पुष्प खिलाने होंगे, नया भारत लाना होगा। मित्रों भारत का भविष्य और भारत का वर्तमान कहीं दिखाई देता है तो आपके फूल जैसे खिलखिलाते चेहरों के बीच दिखाई देता है। इसलिए मित्रों बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम विगत से चिपके ना रहे, प्रेरणा लें और भविष्य की ओर हमारी दृष्टि हो और कदम दौड़े चले। दूसरी बात, तीसरी बात मैं मित्रों आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस समय दुनिया में दो तरह की मान्यताएं चल रही हैं। कुछ मान्यताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक मान्यता वो है जो हम पूर्वी लोगों की, भारतीयों की, हम कहते हैं आत्मा अमर है। अब इसमें भी हमारे आधे कहने वाले आत्मा अमर है वो कहने वाले लोग हैं जो मृत्यु की सैया की ओर जा रहे हैं, तो उनको डर लगता है कि मर ना जाए, तो एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक कंसोलेशन करते हैं कि हम तो अमर है, मरने वाले नहीं। मौत का डर भी ये कहलाती है कि आत्मा अमर है, पर ये भारत का दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है, जगत मरणशील है, आत्मा नित्य है, जगत अनित्य है। इसलिए एक वर्ग ये है भारत का जिसे हम आस्तिक वर्ग कहते हैं, और दुनिया में दूसरा वर्ग वो है मित्रों जो कहता है शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो और मौज करो, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। ये मित्रों इस तरह के दो वर्गों में सारी दुनिया, मनुष्यता और विचार शक्ति बची हुई है, मानवीय दर्शन बटा हुआ है। हम किन लोगों में से, हम उन लोगों में से जो आत्मा की अमरता पर विश्वास करते हैं। पर मित्रों मैं कहता हूं कि यदि हम शरीर को नकार देते हैं और शरीर वाले आत्मा को नकार देते हैं तो दोनों ही अत्याचार हैं। ध्यान रखिएगा, कभी प्रगति नहीं होगी। ये मानवीय काया, चेतना अर्थात आत्मा और जगत का जोड़ है मित्रों। इसलिए एक और जगत में उन्नति करने का अलभ्य अवसर चाहिए। धर्म की परिभाषा करते हुए शास्त्रकार कहता है ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक कल्याण हो और परलोक भी सुधर जाए उसे धर्म कहा है। इसलिए मित्रों स्मरण रहे, ये बात सदैव हमारे जहन में कौंती रहना चाहिए कि मनुष्य गठजोड़ है, न चेतना को भूलना है और न शरीर को विसराना है। शरीर को गाली देकर के आप आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते।
और आत्मा को गाली देकर के शरीर का सदुपयोग संभव नहीं है, हमारी यात्रा अधूरी। इसलिए मित्रों तो इस गठजोड़ को बनाए रखना है, अपनी चेतना के विकास पर ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, शरीर के विकास का काम करने वाली उस पूरी पश्चिमी सभ्यता ने, उस पूरे पश्चिम ने शरीर के लिए इतना सुंदर व्यवस्था बना दी है कि शायद ही इसके पूर्व कभी वैदिक काल में भी इतनी सुंदर व्यवस्था रही हो। पर प्रश्न खड़ा है, आज यूएस को देखिए, अमेरिका यूएसए को देखिए, आप यूरोप को देखिए, आप विकसित देशों को देखिए, किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं। फिर क्या कारण है कि लोग हर दिन मर रहे हैं? आपको आश्चर्य होगा, लाखों लोग तो नशे में मर जाते हैं, और नशा सिर्फ इसलिए है कि जीवन से ऊब पैदा हो गई, झुंझलाट हो गई, जीना नहीं चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी, आज पश्चिमी देश के युवा कह रहे हैं हमको धन नहीं चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए। ना शांति है ना संतोष है मित्रों। इसलिए दोनों तरफ की प्रगति, जैसे आपने कभी गाड़ी को चलते देखा होगा, किसी कार को चलते देखा होगा, किसी बैलगाड़ी को चलते देखा होगा, चक्के में एक धुरा लगा रहता है जिसे एक्सल कहते हैं, और एक चक्र है, चक्र की परिधि है जो धरती पर घिसट रहा है, घर्षण पैदा कर रहा है, दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक तीव्रता है, एक असंतोष है, एक ज्वाला जली हुई है, एक सृजन हो रहा है, एक वृद्धि हो रही है, एक प्रगति हो रही है, और एक धुरे को देखिए एकदम शांत है। मित्रों जीवन का योग भी ऐसा ही बनना चाहिए, आत्मा के स्तर पर परम शांति, एक धारणा शक्ति, एक स्थिरता चाहिए, और परिधि के स्तर पर एक संघर्ष चाहिए। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि अपनी आत्मा में प्रगाढ़ शांति पैदा करो, और अपने जीवन के शरीर में असंतोष की आग जलाओ। एक ज्वाला जलनी चाहिए, एक सृजन की चिंगारी फूटना चाहिए, एक असंतोष की ज्वाला जलनी चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मित्रों भारत सिर्फ अपने पुराने ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु अब नहीं बन सकता, पहले बन चुका। यदि अब बनाना चाहते हो तो एक एक व्यक्ति को, हर एक के हृदय में एक सूरज जगाना होगा, हर एक व्यक्ति के अंदर एक आग पैदा करनी होगी, और अपनी संस्कृति से उसको सजाना होगा। इसलिए मित्रों दोनों का संबंध है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, विज्ञान और अध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं, पूरक। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, विज्ञान और अध्यात्म को धर्मवादी विज्ञान को गाली देते हैं और वैज्ञानिक धर्म को पाखंड बताते हैं, ये दोनों ही पक्ष गलत है। मित्रों हमको एक सम्मिश्रण करना पड़ेगा, एक जोड़ बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, एक ऐसी युति बनानी पड़ेगी कि हम फिर से एक समाज को नई दिशा दे पाए। आने वाला समय वैज्ञानिक युग है, पर याद रखना ये वैज्ञानिक युग अध्यात्मवादी वैज्ञानिक युग होगा, ये पूजा पाठ वाला वैज्ञानिक धर्म युग नहीं होगा, ये मात्र भौतिकतावादी वैज्ञानिक युग नहीं होगा, एक मनुष्यता से संपन्न विज्ञान का युग होगा। मित्रों इसलिए आप हम सबको मिलकर एक मनीषा को जगाना है, अपने भीतर के विज्ञान को जागृत करना है, और अपनी चेतना को परिष्कृत करना है, भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाना है। ये मेरी एक बात थी। अगली बात मैं आपसे कहता हूं मित्रों, क्या हमारा आपका जन्म एक अद्भुत काल में हुआ है, जब कोई महाचेतना, कोई ईश्वरी सत्ता एक संकल्प लेकर के अवतरित हुई, उसने कहा मैं दुनिया को बदलूंगा। लोग कह रहे थे दुनिया विनाश हो जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, सृजन होगा। उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व जगेगा, धरती पर स्वर्ग अवतरण होगा। अब मनुष्यों को गाली देना बंद करो, मनुष्यों में देवत्व उतारने की योजना बनाओ। अब धरती को बुरा कहना, परिस्थितियों को कोसना बंद करो, परिस्थितियों में सुधार की कोशिश करो। मित्रों हमको बहुत कुछ करना शेष है। मंगलमय युग निर्माण योजना को लेकर पूज्य गुरुदेव आए, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, संपूर्ण योजना, संपूर्ण युग के निर्माण की योजना। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक भी बहुत सारी योजनाएं बनी, अलग अलग क्षेत्रों में बनी। आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय और राजनीतिक संगठनों में कि लोग देश बदलना चाहते हैं। आप भी ना रहा, आप भी मन में सोचते हो मैं समाज सेवा करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। पर मित्रों ये देश की सेवा करने वाले जितने भी संगठन थे प्रायः सभी असफल रहे। उसका एक ही कारण था कि इनने कभी भी व्यक्ति निर्माण पर फोकस नहीं किया, सीधे सीधे समाज निर्माण में उतरे,
और समाज निर्माण का क्रम तब तक नहीं होता मित्रों जब तक व्यक्ति निर्माण का क्रम नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति के भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। हर नागरिक के भीतर एक दिव्यता का वातावरण, एक दिव्यता का सूरज जगाना होगा, तब भारत का निर्माण होगा। मित्रों कोई भी देश अपने नागरिकों के चिंतन, चरित्र और आदर्श पर ही महान बनता है। इसलिए हम भारत के वैभव की गाथा गाते हैं, तो इसलिए कि हमारा पूरा भारत का अतीत गौरवशाली रहा है, आर्ष पुरुषों का रहा। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये मैं कहता हूं कि एक मंगलमय युग निर्माण योजना के काल में हमने जन्म लिया है, जहां व्यक्ति के निर्माण की योजना चल रही है। गुरुदेव ने और कोई नारा नहीं दिया। हमारा प्रथम नारा क्या है, हमारा ध्येय वाक्य क्या है? गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे। मित्रों ये वेद वाक्य है, ध्यान रखना। चार वेद, 108 उपनिषद, 18 दर्शन, 20 स्मृति, 24 गीताएं और भारत के सर्वांग आर्ष वांग्मय का निचोड़ निकालेंगे तो निचोड़ में अंतिम रस जो निकल कर आएगा मित्रों वो होगा हम सुधरेंगे। मैं अपने निर्माण से जगत को बदलूंगा। इसलिए इस युवा आंदोलन का ध्येय वाक्य बना आत्मनिर्माण से। भाई अभी आशीष कह रहे थे आत्मनिर्माण से समाज, विश्व और राष्ट्र निर्माण। तो मित्रों ये बात हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क से कभी आंखों से भूझल नहीं होनी चाहिए। कभी पवित्र काल में हमने जन्म लिया है। अब प्रश्न उठता है कि इन सबके बाद अंतिम बात मैं आपसे कहता हूं कि करना क्या हो, क्या करें? क्या हम अपना निर्माण करें और समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण में जुट जाएं? मित्रों भारत के भविष्य पर विश्व का भविष्य निर्भर है। याद रखिए भारत जब जागा है दुनिया जगी है, भारत जब अंधेरे में गया है बर्बरता जाग गई। मित्रों आपने देखा है अंधकार का युग, आपने देखा है स्वर्ण काल और आप वर्तमान भी देख रहे हैं। भारत जग रहा है, दुनिया भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही। इस भारत का पूरब का सूरज जगेगा मित्रों, जगत प्रकाश से भरेगा। इसलिए सारी आशा का केंद्र बिंदु इस समय भारतवर्ष है। हम हमारे ऊपर एक और अपने राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी है, वहीं वैश्विक व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी है। किसी के पास पंचशील नहीं, किसी के पास आदर्श नहीं है। मित्रों नैतिकता, सिविक सेंस और आपकी इन नीति की बात करने वाले दुनिया भरी पड़ी है। हर आदमी विचार से, वाक्यों से आदर्शवादी है। प्रश्न खड़ा होता है चिंतन, चरित्र और आत्मा से, वहां सब शून्य दिखाई देता है। इसलिए मित्रों क्या करें, क्या करें, इसके लिए ये आपका एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया, युवा भारत को गढ़ने का काम। आप देख रहे हैं हमने 7 आंदोलन शुरू की, हमने पंच महाअभियान शुरू किए, पर्यावरण को लेकर हमने अपनी चिंताएं जगाई, समाज के हित की, समाज के सरोकार के अनेक कार्यक्रम गायत्री परिवार कर रहा है। चाहे वो नदियों की शुद्धि का कार्यक्रम हो, चाहे बहनों के पुंशवन संस्कार का क्रम हो, चाहे बच्चों के बाल संस्कार का क्रम हो, युवाओं को गढ़ने की बात हो, किशोरों को आगे बढ़ाने की बात हो, किशोरी कौशल्य का कार्यक्रम हो, नारी जागरण का कार्यक्रम हो, ग्राम के विकास का कार्यक्रम हो, कहीं भी आप जाइए हर तरफ कोई ना कोई आंदोलन हमारा खड़ा दिखाई देता है। इसलिए मित्रों मैं अंतिम बात आपसे निवेदन ये करता हूं कि अपने जीवन के तीनों सूत्रों को बराबर से अपनाना। गुरुदेव ने 3 ही ध्येय वाक्य दिए, उपासना, बोलिए, साधना जीवन की, आराधना समाज की। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप अपने देश के लिए गौरव बन सकें। आप इस युवा प्रकोष्ठ का नाम अभी सिर्फ बिहार में या भारतवर्ष में जगा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में ये विश्वव्यापी बने। और ये बिहार की इस पाटलिपुत्र की भूमि से निकला हुआ शब्द यहाँ के लोग दुनिया के लिए प्रेरणा और प्रकाश का कारण बने, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, घोषणा आदरणीय भाई साहब करेंगे, डॉक्टर चिन्मय पंड्या साहब या श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी जी, पर आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जवाबदारी 2023 में आ रही है। उस पर हम भविष्य में आपसे चर्चा करेंगे। आप सबके शुभ और मंगल की परमात्मा से, परम सत्ता से, गुरु सत्ता से कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।